इबादत हो, या इबादत हो, तुझको पाना है जो भी सूरत हो। हर तरफ सच में सच की चाहत हो, लफ्ज ना हो प्यार बल्कि आदत हो। वैसे ये जो वीडियो मैं दिखा रहा हूँ ना, ये कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती, ये कहानी कहीं और से शुरू होती है। ये तो बस अटेंशन ग्रैब करने के लिए। और चलो ये पूरा देख लो, फिर शुरू से शुरू करेंगे कहानी। Actually, I've planned a trip for myself and daydreaming about it all the time. I'm also excited, I'm very nervous. Let's see how it goes, man. Yeah. हर लौंडे की जिंदगी में वो वक्त आता है और वो कहता है fuck it, बस बहुत हो गया, मुझे अब इस लहरों की मस्ती में और प्यार की कश्ती से उतरना है और मुझे जाना है गगन से दूर। और वो बन जाता है बागी, rebel। और जब तक उस लौंडे की जिंदगी में वो वक्त आता है ना, तब तक वो मनाली घूम घूम के पक चुका होता है और वो गोवा अफोर्ड कर नहीं सकता, तो वो जाता है राजस्थान। और बस फिर क्या, आंखों में सपने लिए घर से हम चल तो दिए, और हम कहां गए, सराय रोहिला रेलवे स्टेशन। Fuck, I miss metro, man. So I'm finally in the station now, and this is my train. I was about to like miss my train, and I finally made it. वो खानदानी परंपरा है कि ट्रेन तो छूटनी है। About to leave now, super excited. I have no idea what to do. Going to be something different. I'm looking forward to it. Cheers. There is something about train जो बस it feels so homely. Train होती है जो इसका transition period होता है, आपको एक time देती है वो transition देने के लिए, और उसके मुकाबले जो flight है वो ऐसा लगता है आपको कहीं से उठा के पटक दिया। और सुबह पहुंच गए जोधपुर। एक चीज प्लान करी थी पूरी ट्रिप में, वो थी ये कि मैं हर शहर में सिर्फ दिन में रुकूंगा, रात में ट्रैवल करूंगा ताकि होटल का खर्चा बच जाए। स्मार्ट, सुबह जो ढूंढना है घूमना है घूम लो। देयर इज अ फोर्ट, मेहरानगढ़ फोर्ट, और वो बहुत अच्छा है, तो मैं वहां चला गया। Have to tell you, man, that fort is magnificent. Like मेरे अंदर का रवि शास्त्री जाग गया था वहां पे जाते। Place is pretty, pretty as fuck. Hey.
अगर दिल्ली का लौंडा पब्लिक प्लेस में घूमने गया है और कुछ दिल्ली वाली हरकत ना करे तो फिर फीका रह जाएगा यार कुछ तो फिर पेश है खिदमत है हरकतें चढ़े रहेंगे कोई नहीं यार आयों ना बड़ा ठोर ना चढ़ा मुंडा ठोर ना चढ़ा ये बड़ा मन था यार ये करने का सॉरी। उसके बाद लगी भाई को भूख एंड जज मी ऑल यू वॉन्ट पर यार मैं पैसे देके ना वेज खाना नहीं खरीद सकता। सबने मुझे एक ही जगह रेफर करी वो है दिस प्लेस कॉल्ड बाबा चिकन। काफी हाइप है इस प्लेस की और वो हाइप है वर्थ इट। यार पालिका से तो ले नहीं पाया बट यहां से मेरे को 100 रुपए वाले शेड्स मिल गया ना। आई एम सेट नाउ, आई एम सेट फॉर द ट्रैवलिंग। मजा आ गया यार चिकन खा के। रिमेम्बर 90s में वैसे विलन वाज लाइक कोई कंडीशनर देता था कि अपनी बेटी को बचाना है तो तुम्हें नॉन वेज खाना पड़ेगा। वैसा वाला चिकन था, अमेजिंग। चिकन ज्यादा खा लिया है तो अब जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ धोने के लिए। आई यूज्ड टू इंटर्न इन इंडिया हैबिटेट सेंटर फॉर अ व्हाइल। शो सो आई डोंट नो इफ यू गाइस नो अबाउट दिस क्योंकि पता नहीं तुम्हें वहां जाके तुम्हें हगने का मन करा था कि नहीं करा था बट वहां पे जितनी भी वॉशरूम्स है ना उसमें जेट स्प्रे नहीं है। आई टोल्ड यू मेरे को प्रॉब्लम है, नहीं धो सकता। सो लाइक अगर कभी प्रेशर आता था ना सो आई हैड टू वॉक फॉर लाइक 1.5 kilometers टू अ नियरेस्ट CCD जहाँ पे जाके मैं सिर्फ हगता था। फक मैन, लाइफ इज टफ फॉर देसीज। हैशटैग ट्रैवल। साला फिर से बाबा। ए बाबा 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 हेलो हाउ आर यू How are you? बताना। ए बता दे भाई। और जब भी आप किसी बड़े शहर से किसी छोटे शहर में जाओगे ना आपको एक सुकून का एहसास होता है। कोई आराम से सड़कों पर बैठकर अखबार पढ़ रहा है, कोई गप्पे लड़ा रहा है, लोग आपस में हंस रहे हैं, चाय की टपरी में बातें हो रही हैं। छोटे शहरों की ना एक बात है कि सुबह सुबह सड़कें धुलती हैं, वो बहुत टेस्टी खुशबू होती है यार। और घूम घूम के वीडियो बना बना के फोन की बैटरी तो हो चुकी थी डेड। तो मुझे फोन को चार्ज करना था तो आई थॉट सलून में दोस्ती कर लेता हूँ बार भाई से। और बट बाय द एंड ऑफ इट आई वाज लाइक यार मैन कुछ करा लेना चाहिए बिकॉज मैंने उसकी बिजली खाई है। आई वाज लाइक यार ट्रिमिंग कर दो और फिर उसने मुझे गरीबों का हसन मिनाज बना दिया। फक मैन, फक फक इज अ प्लेस कॉल्ड टूर जी का झालरा। तो मैं वहां गया एंड दैट प्लेस इज मैग्निफिसेंट। अगेन रवि शास्त्री, आई कांट हेल्प इट। वहां बैठा फुल पद्मावत वाइब्स। पैदल तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। ये क्या है? ये मैदान है। कहाँ पे? गार्डन है। कितनी दूर है यहाँ से? भाई टैक्सी करूंगा, मेरे पास खाने के पैसे नहीं है टैक्सी। और तभी आया कहानी में ट्विस्ट। जैसे ही शाम हुई मुझे कुछ लोगों ने बताया कि जो रेलवे स्टेशन के पास का रास्ता है वहां थोड़ा सीन गड़बड़ चल रहा है, थोड़ी गर्मी बढ़ रही है और थोड़ा वहां से सीन गड़बड़ है। So you stay there, अभी उधर मत जाओ। 10 बज गए, 10:30 बज गए, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या। और
सब अपनी अपनी दुकानें बंद कर रहे थे, ऑटो वाले जाने को तैयार नहीं वहां पे। फिर मुझे एक बंदा मिला, उसने मुझे बताया कि दिस प्लेस इज नॉट सेफ राइट नाउ, यहाँ पे एक अखाड़ा है आर्य समाज वालों का, आप वहां पे जाओ। और वो मुझे पर्सनली लेके गया वहां पे अपने स्कूटर में। हो सकता है उन्होंने मेरा ख्याल नहीं रखा होता तो उसमें मुझे दिक्कत हो सकती थी। अखाड़े का स्वैग था, मतलब आप स्वैग चेक करें, आप चेक करें। दस बज गए, अब समझ नहीं आ रहा क्या करने। तो मैंने बोला कि भाई अब तो मेरे को जाना पड़ेगा, ट्रेन है। तो उसने फिर पता करा, फाइनली मेरे को एक ऑटो वाला मान गया। और मैं तो भाई दिमाग में एकदम मतलब प्रेयर सी चल रही थी, ऑटो वाले भैया मान गए और हम बैठ गए ट्रेन में। अब इस धारावाहिक का अंत हम यही करेंगे, और कहानी तो अभी शुरू हुई है यार, अभी तो बहुत कुछ बताना है, बहुत सी जगह घुमाना है। चलो फिर अब मैं बैठता हूँ ट्रेन में, और अब मुलाकात होगी जैसलमेर में। वाह, राइम, क्रिएटिविटी देख रहे हो लड़के। आपने दवाई तो नहीं ली है? आपने कहा था हरामी होते हैं, क्या बोला था? हरामी का मतलब शैतान, हरामी के बाद लेते हैं। हरामी के बाद आपने बोला। ओके भैया, मिलते हैं।